आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में अभी ठीक से बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है कि यहां पर बारिश के चलते होने वाले हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ क्षेत्र के राठ धनराज गांव में हुए दर्दनाक हादसे में एक पिता के सामने ही उसका 14 वर्षीय बेटा पानी में बह गया। कुशलगढ़ DSP बलबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे दिनेश नाम का किसान अपने खेतों से लौटते समय नाले को क्रॉस कर रहा था और उसके पीछे 4 बैल और उनके पीछे उसका 14 वर्षीय बेटा चंदू था। तभी अचानक से बेटा नाले में बह रहे कचरे में फंस गया। इससे पहले कि पिता कुछ कर पाता, बेटा नाले के तेज बहाव में बह गया और जिसका शव आज सुबह SDRF की टीम ने बरामद किया। कल दिनांक 5/7/22 को समय करीब 5 बजे आसपास दूजे पिता नाथू बेटा उम्र 37 वर्ष निवासी नौका नदी पर नहाने गया था। नहाकर नदी के किनारे खड़ा था कि अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर डेथ हो गई थी, जिसकी लाश को मौके से उनकी माता लाए, जहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 6/7/22 को शौजी पिता नाथू मेड़ा निवासी नौका उसके भाई के द्वारा रिपोर्ट इसकी कार्रवाई जा रही है। बता दें कि मंगलवार को बिजली गिरने से बांसवाड़ा जिले में एक ही दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मंगलवार को ही इस बच्चे ने भी अपनी जान गंवा दी। ऐसे में जरूरत है कि बारिश के मौसम में सभी सावधान रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।